हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज की वीडियो की खास बात यह है कि आज की वीडियो में हम स्टैट प्रो पूरा शुरू से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे। नहीं पता मुझे कि वीडियो की लेंथ क्या होने वाली है, लेकिन इस वीडियो में आज हम सब कुछ सीखेंगे केवल एक ही वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टैट प्रो का जो आइकन है वहाँ पर क्लिक करके, डबल क्लिक करके इसको ऑन कर लिया है। ये स्टैट प्रो का स्टार्टिंग पेज है जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। ये है आपका रिसेंट फाइल्स और ये है आपका कौन से कोड पे आप इंडियन कोड या यूरोपियन कोड, कौन से कोड्स को गाइडलाइन के यूज़ करके आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहते हो। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे हेल्प और कंटेंट है, हेल्प कंटेंट है। यहाँ पे स्टैट प्रो से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आती रहती है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडियन कोड सेट कर लेते हैं। इंडियन कोड हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीन टिक होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन का मतलब है हमारे लाइसेंस्ड है, ठीक है। अगर यहाँ रेड है इसका मतलब लाइसेंस फेल हो चुका है, आप क्लिक करते रहेंगे तो एरर आता रहेगा, तो वो होगा नहीं। तो सबसे पहले इसको ग्रीन करना है। इसके लिए अगर कमेंट आते हैं इस वीडियो पर 500 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊँगा कि इसको ग्रीन कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रिसेंट फाइल है जो अभी काम किया गया है, इस पर वो फाइल से आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे, तो सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है स्पेस। स्पेस यानी कि 3D स्ट्रक्चर, प्लेन मीन्स 2D स्ट्रक्चर, फ्लोर मीन्स आपका होता है स्लैब्स, ट्रस मीन्स आप जानते ही हैं ट्रस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जिस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है आप उस टाइप के चीज़ को, ऑप्शन को चूज़ करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूँ इसमें कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेस में जाके प्लेन नहीं बना सकते। आप स्पेस में जाकर प्लेन बना सकते हो, फ्लोर बना सकते हो, ट्रस बना सकते हो। डायरेक्टली हमारा माउस स्पेस में काम करेगा जब हम स्पेस चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम जो हम डाल देते हैं फुल कोर्स, ठीक है। यहाँ पे पाथ है जहाँ पे हमें फाइल सेव करना है। कभी भी इसे डेस्कटॉप पे सेव मत करना, क्योंकि एक फाइल के साथ 20-25 फाइल और बनती है टेम्परेरी, तो डेस्कटॉप पूरा भर जाएगा। तो इसको किसी फोल्डर के अंदर ही हमेशा फाइल को सेव करना। उसके बाद यूनिट आती है, तो यूनिट हम लेते हैं मीटर और हम फोर्स लेते हैं किलो न्यूटन। ये इतनी सेटिंग यानी कि मीटर, किलो न्यूटन, स्पेस, फाइल का नाम, फाइल का पाथ सेविंग करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आता है आपका कि ऐड बीम आपको सेलेक्ट करना है। ऐड बीम का मतलब होता है जो माउस का कर्सर है वो डायरेक्टली कहीं पर भी क्लिक करोगे तो बीम बनाएगा, अगर हम इस ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लेते हैं प्लेट वाला ऑप्शन, अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ प्लेट दिखाई दे रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो अगर प्लेट ऑप्शन लूँगा तो हमारा माउस का कर्सर, हम अगर हम चार जगह क्लिक कर दूंगा तो वो प्लेट बना देगा, ठीक है। अब आता है सॉलिड। अगर हम सॉलिड पे क्लिक करके मैं फिनिश करता हूँ तो क्या होगा, हम 8 नोट पे क्लिक करना पड़ेगा हमें, जिससे हमारा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हमारा माउस एक्टिवेट होगा इस चीज़ को बनाने के लिए। उसके बाद आते हैं ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड। ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड में क्या होता है कि पहले से कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, फ्रेम बने हुए हैं, डॉम बने हुए हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर उनके जैसा है तो आप डबल क्लिक करके और उस पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके, उसकी लेंथ, विड, स्पैन सब चेंज करके आप उसे इंसर्ट कर सकते हो स्टैट प्रो में, काम कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैट एडिटर। मैं इसको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ स्टैट एडिटर से। इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू, कमांड के थ्रू आप काम करते हैं स्टैट प्रो में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है इंजीनियर की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, इंजीनियर का नाम, कौन है अप्रूव करेगा, साइट क्या है, लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ डालते हैं। तो हम ऐड बीम पे क्लिक करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। ऐड बीम, उसके बाद स्टार्ट, फिनिश। ये आ गई आपकी वर्किंग विंडो। आप देख रहे हैं आपका जो माउस है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। और ये है आपकी ग्रिड 10x10 की, 1 मीटर का आपका एक ये है, ठीक है। अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा, मैंने जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कहीं पर भी इस ग्रिड पे क्लिक कर रहा हूँ तो बीम बन रहे हैं। अगर आपको माउस को एक्टिवेट से हटाना है, यानी कि अभी बीम बना रहा है उससे हटा के नॉर्मल माउस बनना है, तो जैसे कि ऑटो कैड में होता है एस्केप बटन, कीबोर्ड में ये बटन आपको प्रेस करना होगा, नॉर्मल कर्सर आपका बदल जाएगा। देखिए ये हो गया आपका नॉर्मल कर्सर, ठीक है। अब थोड़ा सा कर्सर्स के बारे में जानते हैं। ये जो आपका नॉर्मल कर्सर है, ये इससे सेलेक्ट होते हैं बीम्स, इसको बोलते हैं हम बीम। ये है आपका बीम और मेंबर, इसको हम मेंबर भी बोल सकते हैं। ये है आपके जॉइंट्स,
जिसको बोलते हैं हम जॉइंट्स भी बोल सकते हैं, और वैसे स्टैट प्रो में हम बोलते हैं इसको नोड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, हर नोड का एक नंबर होता है, तो इसका नंबर मान लीजिए 1 है और इसका नंबर 2 है, और इस बीम का नंबर भी 1 है, तो इसका नंबर होगा 3, इसका होगा अभी हम मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3, जॉइंट नंबर 4, जॉइंट नंबर 5, मेंबर नंबर 5। हर मेंबर का यूनिक नंबर होता है, हर एक जॉइंट का यूनिक नंबर होता है। तो मैं कर्सर की बात कर रहा था, तो कर्सर में हमारे पास है कि ये कर्सर जो है नॉर्मल कर्सर, इससे बीम सेलेक्ट होते हैं, और ये है आपका ये वाला, ठीक है, नॉर्मल कर्सर। अगर आप ये वाला कर्सर ले लेंगे तो इससे जॉइंट सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद प्लेट, उसके बाद शीयर वॉल, वो बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। अब ये दो कर्सर मान लीजिए नोड एंड बीम, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल कर्सर है क्योंकि हमने स्कैप बटन प्रेस किया है, तो हमने सेलेक्ट किया ड्रैग करके माउस और कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। तो ये हमारी विंडो है जहाँ पे हमें काम करना है, ये ग्रिड है, यहाँ पे जो भी विंडो पे होगा उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे होगा, जैसे ग्रिड की प्रॉपर्टी ये है, इसको मैं अगर क्लोज कर दूँ तो ग्रिड चली जाएगी, उसके नीचे और प्रॉपर्टी आ जाएगी, सब चीज़ को जानेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ, तो ज्योमेट्री पे क्लिक करने से उसके रिगार्डिंग, उसके रिलेटेड जो टूल्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सरफेस पे क्लिक करूँगा तो उस सरफेस से रिलेटेड टूल यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किया जनरल, देखा साहब जनरल पे जैसे क्लिक किया तो सारी चीज़ चेंज हो गई। अब मैं क्लिक करूँगा सपोर्ट पे, तो ये सपोर्ट से रिलेटेड आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरह से काम करता है। और कुछ आइकन्स आपके यहाँ पे हैं मेनू बार में, और कुछ टाइप्स प्रोसेसिंग में जाना है, डिज़ाइन, कंक्रीट डिज़ाइन, यहाँ पर भी आपके कुछ टाइप्स हैं, तो सब चीज़ समझेंगे। यहाँ पे ग्रिड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपका वाई होता है वर्टिकल, ये एक्स होता है हॉरिजॉन्टल, और ये होता है आपका जेड, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैट एडिटर। स्टैट एडिटर में क्या है, हम ये सारे आइकन ना यूज़ करके, ये सब यूज़ ना करके, ग्रिड यूज़ ना करके हम कमांड टाइप करेंगे और हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये है आपका स्टैट एडिटर। सेव के लिए बार बार पूछेगा सॉफ्टवेयर, तो आपको करते रहना है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ मैं, एक मैग्नीफायर सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन कर लेता हूँ, जिससे जूम करके आपको ये दिखता रहे, ठीक है। ये रहा, इसको साइड में रखते हैं, ये है। तो जब हमने स्टैट एडिटर ओपन किया तो देखिए इसमें स्पेस आ रहा है, आपको पता है हमने स्पेस सेलेक्ट किया था, इंजीनियर की इंफॉर्मेशन, इनपुट 79। तो हम यहाँ पर थे स्टैट एडिटर पे, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि स्टैट एडिटर के अंदर जो स्पेस लिखा रहा है वो हमने सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, उसके बाद इंजीनियर की कोई इन्फॉर्मेशन हमने डाली नहीं है, तो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद इनपुट विड्थ 79, इसका मतलब है अब कुछ भी कमांड टाइप करेंगे हम, वो इस डायरेक्शन में आपका वो 79 करेक्टर लेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि हमें जो भी प्रोग्राम लिखना है वो इस स्पेस में लिखना है, इस स्पेस में हमें प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं हमारे स्टैट प्रो में। मान लीजिए ये एक ब्लैक कर देते हैं इसको, या ब्लू कर लेते हैं, ये एक ऐसे डॉट दिखाई देगी आपको ब्लैक, और एक ऐसे डॉट दिखाई देगी ब्लैक, और ये बीच में एक लाइन, इसको बोलते हैं हम नोड, नोड 1 और ये 2, और ये बीम का नंबर 1, ठीक है। अब इस बीम को हमें बनाना है एडिटर की हेल्प से। सबसे पहले इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं हम 5 मीटर है, और ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है बीम, और जिसका फर्स्ट जॉइंट है वो है आपका ओरिजिन पे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके फर्स्ट जॉइंट के, 0, 0, 0। जॉइंट नंबर 1 के जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, 0, 0। जॉइंट नंबर 2 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 5, 0, 0, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एडिटर से कुछ भी बनाने के लिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ जॉइंट नंबर 1,
सॉरी, उससे पहले हमें टाइप करना है जॉइंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। जॉइंट कोऑर्डिनेट के बाद एंटर, जॉइंट नंबर वन जिसके कोऑर्डिनेट थे 0 0 0, स्पेस सभी में स्पेस रहेगा, एंटर। जॉइंट नंबर टू जिसके कोऑर्डिनेट थे 5 0 0। इतना टाइप करने के बाद अगर मैं सेव करके चेक करता हूँ, इसको जूम कम कर लेते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं, ये आपसे पूछेगा यूनिट्स के बारे में जब भी आप एडिटर को क्लोज करोगे। ओके, तो यहाँ पर दो डॉट बनने चाहिए थे यहाँ पर कहीं पर, लेकिन नहीं बन रहे हैं। उसके लिए देखो क्या है, स्टैट प्रो में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे नोड हाइड रहते हैं, और उनको विजिबल करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस के, नोड को विजिबल करने के लिए, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट प्लस के प्रेस किया तो देखिए दोनों जॉइंट्स आ गए, एक जॉइंट ये रहा एक जॉइंट ये रहा। पर ये ऐसे टेढ़े क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमने किया था ये, तो एक्स डायरेक्शन देखिए इसी तरह से जा रही है, ठीक है। अगर हम इसका फ्रंट व्यू ले लें तो ये ठीक हो जाएगा। अब व्यू, फ्रंट व्यू क्या है उसको समझते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ देख रहे हैं टॉप में येल्लो क्यूब्स हैं, जो पहला क्यूब है उसका जो फर्स्ट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन है, वो येल्लो। इसका मतलब ये क्या, कौन सा व्यू है, एक्स वाई फ्रंट व्यू। इस पर जैसे क्लिक करूँगा आपके नोट्स सीधे हो गए होंगे, इसे बाद में देखते हैं। ये है आपका बैक व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू जो डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया और जूम कम किया तो देखिए सीधे हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है इन दोनों जॉइंट्स के बीच में मेंबर। तो मैं जाता हूँ एडिटर में, दोबारा से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। एडिटर में जाके हम टाइप करते हैं यहाँ पे मेंबर इंसिडेंस, ठीक है, एंटर। मेंबर का नंबर क्या था, जो हमने एक मेंबर बनाया था फर्स्ट मेंबर, तो उसका नंबर भी वन होगा, तो वन स्पेस। वो जॉइंट किस किस से कनेक्ट हो रहा था, जॉइंट नंबर वन से कनेक्ट हो रहा था, जॉइंट नंबर टू से, इसको समझना ज़रा ये क्या है। ये हमारा बीम था जिसमें एक जॉइंट ये था, एक जॉइंट ये था, जिसका वन टू, और मेंबर जो था उसका था वन। ये मेंबर नंबर वन ये है, ठीक है, ये जॉइंट नंबर वन ये है, और ये जॉइंट नंबर टू ये है, ठीक है। मेंबर नंबर वन कनेक्ट है जॉइंट नंबर वन से और जॉइंट नंबर टू से, इस तरह से ये बताना चाह रहा है। अब हम इसको जूम कम करते हैं और सेव करके चेक करते हैं कि क्या ये बन चुका है। ये बन चुका है। इसी तरह से आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे हम फ्रंट व्यू करेंगे, सीधा करेंगे, ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं, नॉर्मल कर्सर लिया मैंने जिससे बीम सेलेक्ट होता है, इस बीम पे क्लिक किया और माउस को थोड़ा सा इसके ऊपर होल्ड रखा। माउस को होल्ड रखने के बाद हमें यहाँ दिखाई देता है ग्रीन कलर, यहाँ दिखाई देता है हमें रेड कलर, और यहाँ दिखाई देता है हमें ब्लू कलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। जब हमने कमांड क्या दिया था, वन वन टू, यानी कि मेंबर नंबर वन कनेक्ट किस से, वन से, पहले वन से कनेक्ट है इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, और फिर टू से कनेक्ट है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कर दूं वन टू वन, यानी कि मेंबर नंबर वन कनेक्ट है पहले टू से फिर वन से, तो ये ग्रीन इधर आ जाएगा, ये ग्रीन इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये ब्लू इधर ट्रांसफर हो जाएगा। देखें ज़रा, एडिटर में मैं गया और यहाँ पर मैंने कर दिया टू वन सेव। अब मैं इस बीम पर क्लिक करता हूँ और माउस को होल्ड रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर इधर पहुँच गया है और ब्लू कलर इधर है, तो इसका मतलब आप समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हमको उसके ऊपर सपोर्ट लगानी है, तो एडिटर में जाएंगे तो सपोर्ट हमारे पास देखिए, अगर हम एक एंड पे लगा रहे हैं पिन सपोर्ट पिन, और दूसरे पे लगा रहे हैं रोलर, वो सॉरी फिक्स, तो हमें पता होना चाहिए नोड नंबर, नोड वन पे पिन, टू पे फिक्स। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा हमें, मैंने टाइप किया सपोर्ट, एंटर वन पर पिन, एंटर टू पर फिक्स, और सेव करके चेक करते हैं ये होता है या नहीं। देखिए ये है आपका पिन सपोर्ट और ये है फिक्स सपोर्ट। अच्छा एक चीज़ और, ये जो फिक्स सपोर्ट होती है, फिक्स सपोर्ट
इस पे अगर हम देखें तो एक हॉरिजेंटल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और ये एक हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट। अगर हम बेंडिंग मोमेंट को कर देते हैं ज़ीरो, हॉरिजेंटल फोर्स को भी कर देते हैं ज़ीरो, तो हमारे पास बचा केवल एक वर्टिकल रिएक्शन। और एक वर्टिकल रिएक्शन किस में होती है? रोलर में। तो रोलर को हमें मॉडिफाई करके फिक्स सपोर्ट को तब रोलर हमें बनाना होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, एडिटर, ये जो टू पे हमने फिक्स लगाई है इसी को कर देते हैं रोलर। तो हमें क्या करना होगा, फिक्स के आगे बट एम एक्स एम वाई एम जेड एफ एक्स और एफ जेड, हमने केवल एफ वाई को छोड़ा है और सारी रिएक्शन टाइप कर दी। किसके बाद? हमने बट के बाद, ठीक है। वन रिएक्शन, टू रिएक्शन, थ्री फोर फाइव, छह रिएक्शन होती है स्पेस में, तो हमने केवल पांच टाइप किए। एफ वाई को छोड़ दिया, बट लगाने के बाद पांचों जीरो हो जाएंगी, ठीक है। और हमारे पास ये रोलर सपोर्ट हमारी बिहेव करेगी रोलर की तरह। तो चेक करते हैं, ये देखिए रोलर सपोर्ट यहाँ पे बन चुकी है, ये है आपकी रोलर सपोर्ट। तो हमने बीम बना लिया, रोलर सपोर्ट लगा ली। अब बात करते हैं लोड्स की। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि एडिटर से हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि एक अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसमें 100 या 200 बीम है, उन सबके कोऑर्डिनेट्स निकालने में बहुत टाइम लगेगा। केवल हम सीख रहे हैं इसको रीड करना, जो हमारे आगे बहुत काम आएगा। ये बहुत जल्दी से हम एरर रिमूव कर सकते हैं एडिटर की हेल्प से, तो इसलिए हम इसको रीड करना समझ रहे हैं बस। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि अब हमें इसके ऊपर डेड लोड बनाना है एक, और डेड लोड के अंदर है यूडीएल, और यूडीएल की इंटेंसिटी है 5, ये हमें लगाना है, ठीक है। डेड लोड, उसके अंदर एक यूडीएल पैटर्न और उसके अंदर 5 इंटेंसिटी का यूडीएल पूरे मेंबर पर, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा हमें, हमें टाइप करना है लोड 1, क्योंकि पहला लोड बना रहे हैं। टाइप क्या है उसका? डेड। टाइटल क्या है? डेड लोड, ठीक है। लोड टाइप लोड 1, लोड टाइप में होता है यहाँ पे टाइप, लोड टाइप डेड, टाइटल डेड लोड, ठीक है। ये लाइन का मतलब क्या है कि हमने पहला लोड बनाया है जिसका टाइटल तो डेड लोड है और वो ही उसका टाइप है, ठीक है। तो अब हम सेव करके देखते हैं इससे हुआ क्या है, ठीक है। आप अगर यहाँ जाएंगे, यहाँ जनरल में, जनरल के बाद आपको जाना है लोड एंड डेफिनेशन, इस पर क्लिक करके आपको दूसरी साइड जाना है, और दूसरी साइड आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए एक डेड लोड आ चुका है। ये वही लाइन टाइप करने से जो हमने किया, उसके अंदर ये टाइप करने से डेड लोड की एक केस बन चुका है। अब इस डेड लोड के अंदर बनाना है एक यूडीएल। तो दोबारा से जाते हैं हम एडिटर में। अब यहाँ हम टाइप करते हैं सबसे पहले किस टाइप का वो लोड है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए वो मेंबर के ऊपर लग रहा है तो मेंबर लोड, जॉइंट के ऊपर लग रहा है तो नोडल लोड, प्लेट के ऊपर लग रहा है तो प्लेट लोड। तो इस तरह से ये लोड है आपका मेंबर लोड। एंटर। मेंबर किस नंबर पे लग रहा है? मेंबर नंबर 1 पे लग रहा है। कौन सा पैटर्न लग रहा है? यूनिफॉर्म फोर्स, यूडीएल को बोलते हैं यूनिफॉर्म फोर्स, ओके। किस डायरेक्शन में लग रहा है? ग्लोबल वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड में। कितना मैग्नीट्यूड है? 5, ठीक है। मेंबर लोड, डेड लोड बनाया, उसके अंदर हमें कौन सा टाइप का लोड लगा रहे हैं? मेंबर के ऊपर। किस मेंबर पे लगा रहे हैं? मेंबर नंबर 1 पे। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? यूनिफॉर्म फोर्स। किस डायरेक्शन में? जी वाई डायरेक्शन में। जी वाई में डाउनवर्ड और -5 मैग्नीट्यूड। सेव। अब इसको क्लोज करके हम चेक करते हैं। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा लोड केस पे। यहाँ डेड लोड आ गया, अब इसके प्लस पे क्लिक करना है। अब इसके नीचे लोड आ गया, अब इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ चुका है। फ्रंट व्यू से इसे ठीक कर लेते हैं, यूडीएल लग चुका है। शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की इंटेंसिटी भी दिखाएगा, ठीक है। अब ये लोड अगर हमें ऐसे लगाना हो, केवल इतने पोर्शन पे लगाना हो, तो देखो सिंपल है। ये मान लीजिए 1 मीटर है, और ये मान लीजिए है आपका, ये मान लीजिए है 4 मीटर। तो 1 मीटर से लोड स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 मीटर के बाद स्टार्ट हो रहा है और 4 मीटर पे फिनिश हो रहा है। ये हमें वैल्यू देनी है एडिटर में। यहाँ 5 के आगे लिख देंगे 1 और 4, यानी 1 के बाद स्टार्ट हो रहा है, 5 पे ख़त्म हो रहा है,
चेक करते हैं, ये देखिए। अब इसी तरह से आपको UDL की जगह पॉइंट लोड लगाना है तो टाइप करेंगे CONC, अगर आपको ट्रेपेज़ॉइडल लगाना है तो TRAP, लीनियर वेलिंग लगाना है तो LIN। तो इस तरह से हम एड्रेस लोड और कोई भी हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलो एक फ्रेम बना के देखते हैं। तो फ्रेम के लिए हम ले लेते हैं इस टाइप का एक, ये है हमारा फ्रेम जिस पे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है और ये यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। ये है आपका 3 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये 3 मीटर हाइट पे है तो 0 6 0, और इसके क्या होंगे आपके ज़ीरो, सॉरी इसके होंगे 0 3 0, इसके 0 6 0, इसके होंगे 4 0 0, 4 3 0, 4 6 0, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब देखिए इसको हम कैसे एडिटर में बनाते हैं। तो हम ये सब डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ से जॉइंट कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट जॉइन था उसके कोऑर्डिनेट 0 0 थे, सेकंड कोऑर्डिनेट जो था उसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके 0 3 3 0, थर्ड कोऑर्डिनेट था उसके थे आपके 0 6 0, और फोर्थ कोऑर्डिनेट था वो था आपका 4 0 0, फिफ्थ कोऑर्डिनेट जो था जॉइंट जो था उसके थे आपके 4 3 0, और जो सिक्स्थ जॉइंट था उसके थे 4 6 0। जॉइंट कोऑर्डिनेट हो चुके हैं, एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो चुके हैं, अब हमें मेंबर कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा एक शॉर्टकट की और है, शिफ्ट प्लस एन करते हो अगर आप तो नोड नंबर, और बी करते हो तो बीम नंबर। देखिए शिफ्ट एन नोड नंबर, शिफ्ट बी से बीम नंबर अभी नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या बनाना है, बीम नंबर 1 जो 1 2 से कनेक्ट है, एक 2 3 से कनेक्ट है, एक 4 5 से, एक 5 6 से, एक 3 4, ठीक है, इस तरह से। मेंबर इंसिडेंस एंटर, मेंबर नंबर 1 कनेक्ट है जॉइंट नंबर 1 और जॉइंट नंबर 2 से, मेंबर नंबर 2 कनेक्ट है जॉइंट नंबर 2 और जॉइंट नंबर 3 से, मेंबर नंबर 3 कनेक्ट है जॉइंट नंबर 3 जॉइंट नंबर 4 से, मेंबर नंबर 4 कनेक्ट है जॉइंट नंबर 4 जॉइंट नंबर 5 से, मेंबर नंबर 5 करेक्ट कनेक्ट है जॉइंट नंबर 5 से और 6 से, ठीक है। 6 जॉइंट हो चुकी है, अब इसको चेक करते हैं बनाए नहीं बना। ओके जॉइंट नंबर जो मेंबर नंबर 3 है ना आपका, वो कनेक्ट होना है 3 और 6 से, ठीक है, ये गलती कर दी हमने। जॉइंट मेंबर नंबर 3 और 6 से, यहाँ पे 6 चेंज कर दिया मैंने, सेव, ठीक है, बन गया। सपोर्ट लगानी है तो सपोर्ट के लिए जॉइंट नंबर 1 और 4 पे सपोर्ट लगेगी, ठीक है। तो एडिटर में जाते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं सपोर्ट, एंटर, जॉइंट नंबर 1 एंड जॉइंट नंबर 1 2 3 4 फिक्स, इतना टाइप करना है और दोनों पे सपोर्ट लग जाएगी फिक्स। देखिए फिक्स सपोर्ट लग चुकी है, ये आपका फिक्स सपोर्ट का सिंबल है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, क्योंकि एडिटर के पोर्शन को हम अभी इतना ही सीखेंगे, इतना काफ़ी है, बस हमें रीड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टैट प्रो में। देखिए स्टैट प्रो में सबसे पहले जो हमें कोई भी जॉइंट बनाना है, कोई बीम बनाना है, कॉलम बनाना है, तो उसका तरीका क्या है, जनरल में आप जाएंगे या ज्योमेट्री में आप जाएंगे तो एक तो ग्रिड है। जैसे मुझे 10 मीटर का बीम बनाना है तो 0 पे क्लिक किया, जैसे ग्रिड ऑन हुई ना, जैसे ज्योमेट्री पे मैं गया, जैसे ही मैं ज्योमेट्री पे गया ग्रिड हमारी ऑन हो गई। ग्रिड ऑन होने के साथ हमारा माउस का कर्सर बीम बनाने के लिए रेडी हो गया, तो अब देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो हमने 0 पे क्लिक किया, 10 पे क्लिक किया और ग्रिड को यहाँ से क्लोज कर दिया, 10 मीटर का बीम बन चुका है। अगर हम ग्रिड को यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ग्रिड को ऑन किया, ठीक है, अब मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो बीम बनते जाएंगे, स्कैप बटन से कैंसिल हो जाएगा और ये सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। अब ग्रिड हमारी 10x10 की है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से एडिट,
और यहाँ पे देखिए प्लेन हमने एक्स और जेड कर दिया है, 10 मीटर की जगह हमने 20 मीटर या 15 मीटर कर सकते हैं, और जो हमारी स्पेसिंग है वो 1 मीटर की जगह 0.5 या कुछ और भी कर सकते हैं। टॉप पे जाएंगे आप, देखिए तो ग्रिड अपने अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। अब ग्रिड डिफाइन हो गई है हमारी, बट हमारा माउस का कर्सर बीम नहीं बना रहा है क्योंकि हम वहाँ से हट चुके हैं उस जॉइंट से, उस कर्सर से। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, ये आप दिखाई दे रहे हैं नोट स्नैप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा बीम बनाने के लिए। स्कैप बटन दबाएंगे दोबारा से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि ये ग्रिड है, तो ग्रिड से हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, 3D नहीं बना सकते, 2D स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है आपका, देखिए जैसे हमने ग्रिड को क्लोज किया उसी के नीचे ये प्रॉपर्टी आ रही है जॉइंट बनाने के लिए और मेम्बर, सेम कोड उसकी तरह है कमांड की तरह। यहाँ पर मैंने अगर 0 एंटर किया तो जॉइंट बन गया एक ओरिजिन पे, यहाँ पे मैंने एंटर किया कोऑर्डिनेट्स 5 तो 5 मीटर बन गया, यहाँ पे मैंने डाला 1 और यहाँ पे डाला 2 तो देखिए मेंबर बन गया। वहाँ पर हम लिखते थे जॉइंट कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3, सेम वही है यहाँ टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से ही बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से भी नहीं बनाते हैं। तो सबसे जो अच्छा तरीका है जिससे हम हर तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो है आपका एक टूल, इस टूल का नाम है ट्रांसलेशन और रिपीट टूल, ये है आपका वो टूल। इस आइकन को याद कर लीजिए, ये ही बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसको बोलते हैं ट्रांस देख लेते हैं क्या नाम है इसका, माउस को अगर किसी भी आइकन पर होल्ड करते हो तो उसका नाम आ जाता है, दोबारा से ले जाते हैं ट्रांसलेशन और रिपीट टूल, ठीक है ये। पर इसकी कंडीशन क्या है कि एक जॉइंट हमारे पास होना चाहिए। अब वो जॉइंट आप कैसे ही बना सकते हो, या तो ग्रिड ऑन करके 0 पे क्लिक करके क्लोज कर दो, या फिर यहाँ पे 0, 0 डाल दो, या फिर एडिटर से बना लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस जॉइंट कर्सर से इस जॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ट्रांसलेट रिपीट को ऑन करता हूँ। अब देखिए अगर मुझे एक और बीम बनाना है ऐसे यहाँ पर, तो एक किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एक्स में, तो मैंने यहाँ एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। कितने बीम बना रहा हूँ, 1, स्पेसिंग क्या है 5 मीटर, ये 5 डाल दिया। और लिंक का मतलब क्या है, अगर लिंक नहीं करूँगा तो केवल एक जॉइंट दूसरा जॉइंट बन जाएगा 5 मीटर, बीच में मेंबर नहीं बनेगा, ठीक है। इतना अभी आप याद रखिए, तो लिंक किया सब कुछ सेम, ओके ये बन गया। अंडो करते हैं कंट्रोल जैसे, दोबारा इसको नोट को सिलेक्ट करके ट्रांसलेट रिपीट टूल पर जाते हैं। अगर मैं एक्स में यहाँ पे डाल दूँ 3, 4 स्टेप और लिंक और ओके, दे देखिए 3, 4 आपके बीम बन चुके हैं। फिर कंट्रोल जेड, फिर नोट को सिलेक्ट, फिर ट्रांसलेट रिपीट टूल। अब एक्स में हमने क्लिक है, वाई में क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैंने 4, 5 स्टेप ले लिए, स्पेसिंग अलग अलग रखेंगे तो आपको यहाँ पे टच नहीं करना, आपको यहाँ से चेंज करना है। जैसे कि मैं चेंज करता हूँ ये 3, 2, 5, 1 और मैं लिंक करके ओके करता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट रिपीट टूल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सपोर्टेड बीम बनाना है जिस पे एक तरफ है पिन सपोर्ट, एक तरफ है रोलर सपोर्ट और उसके ऊपर एक पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, और हमको उसको सारे रिजल्ट चेक करने हैं। बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो कंक्रीट का 300 mm 0.3 मीटर बाय 0.3 मीटर है, ठीक है। ये इतनी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और अब हम इसको बनाना है। मैं टूल्स एक एक करके बताता आपको लेकिन उसमें लगेगा टाइम, अगर हम प्रॉब्लम डायरेक्टली बनाएं और उसको सॉल्व करें तो हम उसमें टूल भी सीख जाएंगे और जल्दी हो जाएगा। तो देखिए 10 मीटर का बीम बनाना है, कितने तरीके हैं, एडिटर, ग्रिड, ग्रिड पर गए हम, 0 पे क्लिक किया, 10 पे क्लिक किया, या फिर ट्रांसलेशन रिपीट टूल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसलेशन रिपीट टूल ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए। तो मैंने 0 डाला तो एक नोड बन चुका है, जॉइंट कर्सर से उस जॉइंट को सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल, एक्स डायरेक्शन, 1 स्टेप, 10 मीटर, ठीक है, लिंक, ओके बन गया। इसी अब इसमें जाएंगे हम जनरल में, प्रॉपर्टी यहाँ डिफाइन पे जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, जनरल, जनरल से हम गए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से हम जाएंगे डिफाइन में, ठीक है। अब डिफाइन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ हम लेते हैं रेक्टेंगल शेप,
यहाँ पे डालते हैं डेप्थ 0.3, वाई डी मतलब डेप्थ, जेड डी मतलब विथ, 0.3 बाई 0.3 कंक्रीट मटेरियल एड क्लोज। अब देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ आ चुकी है लेकिन अभी बीम के ऊपर नहीं आई है, ठीक है। अभी इसको अप्लाई करना है बीम के ऊपर। अब इसीलिए हम यहाँ पे एक चार ऑप्शन है, इनको समझ लीजिए आप। पहला ऑप्शन कह रहा है जब हम इस बीम को सिलेक्ट करते हैं तो ऑन हो जाते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टी उसी चीज को जाएगी जो सिलेक्ट है अगर हम असाइन पर क्लिक करें, पहले ऑप्शन का मतलब है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि माउस से जहाँ क्लिक करेंगे उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। तीसरे का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कोई वैल्यू डालेंगे, वन डाला, तो जिस बीम का नंबर वन है उसी को प्रॉपर्टी जाएगी। असाइन टू व्यू का मतलब है यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं सबको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, देखिए यहाँ पे आर वन लिखा हुआ है, रेफरेंस वन, प्रॉपर्टी मिल चुकी है। अंडो करते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन लेते हैं असाइन, अब देखिए माउस से मुझे क्लिक करना पड़ेगा, देखिए प्रॉपर्टी मिल गई, अंडो करते हैं। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, असाइन, प्रॉपर्टी मिल गई, फिर अंडो करते हैं। चौथा ऑप्शन लेते हैं, असाइन टू व्यू, प्रॉपर्टी मिल गई, ये देखिए दोबारा अंडो करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक टूल है यहाँ पे, एक आइकन है यहाँ पे पिरामिड टाइप का, अगर हम इसको जूम करके दिखा सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये इस पर आपका 3D रेंडर व्यू चाहता है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये विंडो एक खुल गई, इसको जूम कम करते हैं तो देखो केवल आपका बीम एक लाइन डायग्राम दिखा रहा है। इस पर माउस से क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसे रोटेट कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ मैं और फिर दोबारा रेंडर व्यू चेक करता हूँ, तो अब देखिए प्रॉपर्टी दिखा रहा है 300x300 जो आपने क्रॉस सेक्शन दिया है। मैं स्क्रॉल को रोटेट कर रहा हूँ जिससे जूम हो सके, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका सपोर्ट सिस्टम, तो यहीं प्रॉपर्टी के नीचे देखिए आप, प्रॉपर्टी से नीचे देखिए यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है, ये इस पर क्लिक किया तो यहाँ हमें इस पर क्लिक करने के बाद आना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले से एक सपोर्ट है, नो सपोर्ट, और एक सपोर्ट टू है, इसको डिलीट कर देते हैं, हमारी पहले की बनाई हुई है। नो सपोर्ट आपकी आती है तो हमें क्रिएट पे क्लिक करना है, और फिक्स तो हमें लगानी नहीं है, पिन सपोर्ट लगानी है, ऐड कर ली, यहाँ पे आ गई ये पिन, क्रिएट किया। उसके बाद फिक्स बट, रोलर बनाने के लिए फिक्स बट हमने टाइप किया था, FY छोड़ के सब पे क्लिक करना है रोलर बनाने के लिए, ऐड। S1 डिफ़ॉल्ट आती है इसमें नो सपोर्ट हटअप सपोर्ट को हटाने के लिए, S2 है आपकी पिन सपोर्ट, S3 आपकी हमने बनाई है रोलर सपोर्ट। तो पिन पहले हमें सपोर्ट 2 को लगाना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और असाइन कर दिया, फिर सपोर्ट 3 को लगाना है, इसको सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया, अब हमारी सपोर्ट लग चुकी है, ठीक है। ये है हमारी रोलर सपोर्ट और ये है हमारी पिन सपोर्ट। नेक्स्ट आता है लोड का, तो इसी में देखिए आपका नीचे लोड एंड डेफिनेशन, और यहाँ पे आपको लोड केस पे क्लिक करना है और ऐड करना है। ये उसी चीज़ को हम कर रहे हैं जो हमने एक लाइन लिखी थी, लोड वन, लोड टाइप, डेड लोड, टाइटल डेड लोड। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है लोड का टाइप डेड, टाइटल डेड लोड, ऐड क्लोज, ये आ गया डेड लोड। इसके ऊपर क्लिक करके फिर ऐड करना है। देखिए पहले लोड केस पे क्लिक करके ऐड किया था तो डेड लोड बन गया, अब डेड लोड पे क्लिक करके ऐड करेंगे तो आएगा पैटर्न के कौन से पैटर्न का लोड लगाना है। तो ये मेंबर लोड है, मेंबर के ऊपर लगाना है तो यहाँ पे मेंबर लोड सेलेक्ट करेंगे। यूनिफॉर्म फोर्स लगाना है कि पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड हमने सेलेक्ट कर लिया। वैल्यू कितनी रखी, माइनस मतलब डाउनवर्ड, 10 मतलब मैग्नीट्यूड, और जी वाई डायरेक्शन, ये होती है जी वाई डायरेक्शन, ठीक है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन। माइनस लगा देंगे तो लोड लगेगा डाउनवर्ड। इंटेंसिटी है 10। D1, D2 का मतलब है कि अगर D1 में मैं कुछ D1, D2 कुछ ना डालूं तो लोड लगेगा सेंटर में, अगर D1 में मैं डालता हूं 2 मीटर तो स्टार्टिंग पॉइंट से लोड लगेगा 2 मीटर पे, अगर D2 में कुछ वैल्यू डालता हूं तो वो विड्थ के अलोंग आपकी सेंट्रिसिटी है जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस फिगर में अभी देख सकते हैं कि D1, D2 का क्या मतलब, अभी हम सेंटर में लोड लगाना है तो कुछ वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐड क्लोज, देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन मार्क है एक इसके ऊपर एक, इसको जूम करके देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि लोड के अंदर 10 किलो न्यूटन का लोड आ चुका है पर ये अभी बीम पे अप्लाई नहीं हुआ है, तो इस पर क्लिक किया हमने, वही चार ऑप्शन हमें मिलेंगे। असाइन टू व्यू कर लेते हैं, असाइन, ये लोड लग चुका है। जूम कम कर रहा हूँ पर एरो का साइज कम नहीं हो रहा है। शिफ्ट वी से हमारा लोड की वैल्यू आ जाएगी, वो भी नहीं आ रही है क्योंकि एरो का साइज बहुत बड़ा है। अब एरो का साइज छोटा करना है तो उसके लिए देखिए मैं बता देता हूँ, अभी इस आइकन पे जाना है एरो का साइज। इसमें क्या है, देखिए दो चीज़ें करनी है इसमें हमें, एक तो जो लोड लगा रहे हैं उनके एरो का साइज बहुत ही बड़ा आ रहा है तो वो छोटा कर सकते हैं, उसके लोड की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, केवल उसका एरो छोटा हो जाएगा।
और जो ग्राफ आते हैं जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो छोटा या बड़ा करना है, इंटेंसिटी वही रहेगी, केवल एनहेंस करना है। तो मैंने इस पर क्लिक करना है, जूम कम कर लेते हैं, और यहाँ पे टैब है स्केल का, स्केल पे गए और यहाँ पे हम पहले अप्लाई इमिडिएटली पर कर देते हैं, यहाँ पॉइंट फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते देखते हैं। ये देखिए छोटा हो गया, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। ओके, अब हमें क्या करना होता है, किसी भी चीज़ को एनालाइज से पहले यहाँ पे जाना होता है हमें एनालिसिस एंड प्रिंट, इस पर क्लिक करना है और ऑल पे क्लिक करना है। ऑल का मतलब होता है जो आउटपुट पेज है उस पर सारा डाटा आएगा, ना कि अगर नो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लोड डाटा पे क्लिक करेंगे तो लोड डाटा आएगा, केवल स्टैटिक चेक आएगा, स्टैटिक लोड आएगा, मोड सेव, बहुत ऑल पे तो सारा डाटा रिजल्ट में आएगा। ऐड क्लोज, उसके बाद यहाँ से एनालाइज कर देते हैं। डन। अब हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए एम जेड देखिए ये है आपका, जूम कर लेते हैं, शीयर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, अगर डायग्राम देखना है तो इस पर क्लिक करना है, वाई डायरेक्शन में इस पर क्लिक करना है, जेड के लिए इस पर, मूवमेंट इन एक्स जिसे टॉर्जन भी बोलते हैं, मूवमेंट इन वाई, मूवमेंट इन जेड, अभी और ये डिफ्लेक्शन, अभी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं हम, ठीक है। ये कुछ इसका शॉर्टकट की है जिसके वजह से ये ऐसा हो गया है। ओके, तो अगर हम एफ एक्स पर क्लिक करेंगे तो कोई डायग्राम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन तो कुछ है ही नहीं। एफ वाई में क्लिक करेंगे तो शियर फोर्स आ चुका है। अच्छा, शियर फोर्स डायग्राम बहुत छोटा आ रहा है तो उसको बड़ा करने के लिए एक तो स्केल में आप जा सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस कीजिए स्क्रीन पर एक बार क्लिक करके, कंट्रोल प्रेस कीजिए और स्क्रॉल को घुमाइए, देखिए डायग्राम बड़ा हो गया। अब हम इसी तरह देखते हैं बेंडिंग मोमेंट इन जेड, ये हो गया, इसी तरह देखते हैं डिफ्लेक्शन, और सारे तीनों डायग्राम आप, क्योंकि वर्टिकल फोर्स की वजह से डायग्राम जनरेट हो रहे हैं तो ये आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने गौर की होगी, शियर फोर्स डायग्राम इसमें सही नहीं आ रहा है, शियर फोर्स डायग्राम आना चाहिए था इस तरह से, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्राफ थोड़े सही नहीं है तो हमें डबल क्लिक करके हम यहाँ पे देख सकते हैं शियर बेंडिंग, ये है बेंडिंग में डायग्राम, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये है शियर फोर्स डायग्राम, ये है एग्जैक्ट शियर फोर्स डायग्राम, और डिफ्लेक्शन देखना है तो डिफ्लेक्शन लोकल वाई 14.211 mm आपका डिफ्लेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम रिज़ल्ट देखते हैं, अगर रिज़ल्ट की वैल्यू यहाँ पे देखनी है तो पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना है। ओके, सबसे पहले डिफ्लेक्शन हमारा एक्टिवेट है, रिज़ल्ट व्यू वैल्यू बीम रिज़ल्ट, यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन पे क्लिक किया, एनोटेट, ओके, ठीक है 14.211 mm। इसी तरह बेंडिंग मोमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा, ये बेंडिंग मोमेंट एक्टिवेट कर दिया, अब रिज़ल्ट में गए व्यू वैल्यू, अब यहाँ बीम रिज़ल्ट में हमने बेंडिंग मोमेंट पे क्लिक कर दिया तीनों पे, मिड मैक्सिमम और एनोटेट किया, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट आ चुका है। और यही रिज़ल्ट हम यहाँ टेबल में भी देख सकते हैं, इन टेबल को आप थोड़ा सा रीड करेंगे, डबल क्लिक करता हूँ ना ऊपर टॉप पे मैं किसी टेबल पे तो बड़ी हो जाती है। तो देखिए डेड लोड वन, नोड नंबर वन पे डेड लोड की वजह से ये आपका डिफ्लेक्शन है और ये टू पे है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाइए इस वाले पे, तो इस पोजीशन पे इतना इतना डिफ्लेक्शन है, तो इस तरह से रिजल्ट दिखाता है। अब हम डिलीट कर देते हैं, अब छोटी सी एक बिल्डिंग हम इसमें डिज़ाइन करते हैं और एनालाइज करते हैं, और उससे आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी फास्ट वीडियो है पर शुरू से एंड तक है, आप पॉज कर करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और पता नहीं मैं पूरी जितनी बना पाऊँगा या नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है, रात हो रही है काफ़ी, तो मैं देखता हूँ जितना हो सकता है मैं उतना बनाऊँगा इसको, और लगभग आप इतना तो सीख ही जाएंगे इस वीडियो से, बेसिक से एडवांस तक, कि आप फिर प्रैक्टिस करके, और हर चीज़ तो बना के मैं प्रैक्टिस करा नहीं सकता, लेकिन आप फिर ऑटोमेटिकली खुद ना खुद सीख जाएंगे प्रैक्टिस करके। तो इसको हम न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं छोटी सी, जिसका छोटे से चार रूम वाला प्लान है, चार रूम का प्लान है, स्टोरी है 5, ठीक है, और डाटा मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, और ये 5-5 मीटर के स्पैन है, ठीक है। तो हमने जीरो पे क्लिक किया और इस ग्रिड को क्लोज कर दिया, नोड मिल चुका है, इस जॉइंट पे क्लिक किया और सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल में एक्स में 2 स्टेप 5-5 मीटर के लिंक, क्योंकि 5-5 मीटर के बनाते हैं, अब नॉर्मल कर्सर लिया स्कैप से, सिलेक्ट किए ट्रांसलेट इन जेड डायरेक्शन 5-5 के 2, क्योंकि प्लान होता है हमारा एक्स जेड में, ये हो गया हमारा प्लान। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे किस डायरेक्शन में, वाई में, क्योंकि हमारी बिल्डिंग की हाइट वाई में,
और जनरली बिल्डिंग की हाइट 3 मीटर होती है और हमने लेना है 5 फ्लोर लिंक। ओके, नीचे के बीम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें बस फिक्स सपोर्ट लगानी है। हमारा फ्रेम बन चुका है 5 स्टोरी बिल्डिंग का। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सपोर्ट पे, वही जनरल सपोर्ट यहाँ क्रिएट किया, फिक्स सपोर्ट लगेगी बिल्डिंग में, फिक्स आ गया, फिक्स पे क्लिक किया। अब मैं एक एक करने की सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ्रंट व्यू पे जाना है और ड्रैग करने हैं इस तरह से। अब आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे सारे जॉइंट सेलेक्ट हो चुके हैं, इसको असाइन कर देना है। अब असाइन कर सपोर्ट लग चुकी है, अब जाते हैं प्रॉपर्टी में, यहाँ पे डिफाइन करते हैं रेक्टेंगल बीम, बीम का साइड 0.4 डेप्थ ले लेते हैं और 0.3 विड्थ ले लेते हैं बीम के लिए। ऐड कॉलम के लिए दोबारा से 0.4 0.4 स्क्वायर कॉलम ऐड कर लेते हैं। दो प्रॉपर्टी आ गई है, ये देनी है हमें बीम को और ये प्रॉपर्टी देनी है सभी कॉलम को। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें यहाँ जाना है सेलेक्ट टूल में। सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है बीम की प्रॉपर्टी, सेलेक्ट टूल में गए, बीम पैरेलल टू एक्स सेलेक्ट, बीम पैरेलल टू जेड, सारे बीम सेलेक्ट हो गए, असाइन सेलेक्ट। अब हमने कॉलम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट की क्योंकि कॉलम वाई के डायरेक्शन में है, तो हमने सेलेक्ट में गए और बीम पैरेलल टू वाई, सारे बीम कॉलम सेलेक्ट हो गए और असाइन। अगर हम रेंडर व्यू में देखते हैं तो देखिए फ्रेम बन चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, लोड की बात है, तो लोड हमें लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करना है, लोड केस पे क्लिक करना है, ऐड करना है। यहाँ पे डेड लोड टाइटल DL लिख देते हैं ऐड, और यहाँ पे दूसरा लोड लाइव लोड इसके लिए LL लिख देते हैं ऐड, क्लोज। डेड लोड पे क्लिक करते हैं और ऐड करते हैं हम सेल्फ वेट, ठीक है। -1 का मतलब एक्चुअल वेट, -1 डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में ऐड कर लिया, ठीक है। मेंबर लोड, हर बीम के ऊपर वॉल बनी हुई है, यूनिफॉर्म लोड लगा हुआ है वॉल का, मान लीजिए -5, तो हमने -5 का UDL ले लिया ऐड क्लोज डेड के अंदर। तो सेल्फ वेट तो पूरी बिल्डिंग पे लगेगा असाइन टू व्यू, पर ये UDL केवल बीम पे लगेगा। तो हमें वही सेम सेलेक्ट में बीम पैरेलल टू एक्स सेलेक्ट, बीम पैरेलल टू जेड, सॉरी सेलेक्ट में जाना है बीम पैरेलल टू एक्स सेलेक्ट, बीम पैरेलल टू जेड, और ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इन पे यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और असाइन कर देना है। सभी पे लग चुका है हमारा लोड। लाइव लोड के अंदर हम लगाते हैं फ्लोर लोड, यानी कि यहाँ पर तो फ्लोर बनेगा, स्लैब बनेगी, उसका लोड लगाना है हमें, ठीक है। स्लैब बना नहीं रहे, केवल लोड लगा रहे हैं। तो हम डेड लोड पे क्लिक करेंगे, लाइव पे ऐड, और यहाँ पे देखिए फ्लोर लोड है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालनी है -3 हो गया। फ्लोर लोड लगाने के लिए हमें देना होता है कि कहाँ से कहाँ तक रेंज, देखिए ये वाई डायरेक्शन है और यहाँ पे एक स्लैब बनेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो रेंज क्या हो गई, यहाँ से यहाँ, ये 3 मीटर हाइट पे, 3, 3, 6, 18, 21, 24, तो 3 से 24 रेंज हो गई। तो मैंने यहाँ डाला मिनिमम 3 और मैक्सिमम 24, ऑटोमेटिक ऐड करते लगा देगा लोड अगर क्लिक करके आप देखोगे। अब बनाते हैं लोड कॉम्बिनेशन, तो लोड केस डिटेल पे ही क्लिक करके ऐड करना है। और यहाँ पे पहले हम लोड डेड लोड लाइव लोड ऐड किया था, यहीं पे देखिए एक है डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन। तो हमने यहाँ लोड कॉम्बिनेशन टाइटल डाला 1.5 ब्रैकेट में DL प्लस LL ब्रैकेट क्लोज, और दोनों लोड को हमने एरो से इधर ले गए और फैक्टर डाल दिया 1.5 1.5 ऐड क्लोज। ये देखिए एक लोड कॉम्बिनेशन बन चुका है, इसको असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो केवल कॉम्बिनेशन। अब सेम एनालिसिस एंड प्रिंट ऑल ऐड क्लोज और एनालाइज, ठीक है। अब इस बिल्डिंग का अगर बेंडिंग मोमेंट देखना है तो देखिए रहा वही कंट्रोल दबा के स्क्रॉल को मूव करेंगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बढ़ जाएगा। ये हो गया आपका बिल्डिंग का डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन को एनिमेट करना है, वीडियो बनानी, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको और ओके करना है, ये सेक्शन डिफ्लेक्शन ओके। देखिए डिफ्लेक्शन, पर ये डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ये डेड लाइव लोड की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइव लोड सेलेक्ट है। अगर हम डेड करते हैं तो ये डेड की वजह से, अगर हम दोनों कर लेते हैं कॉम्बिनेशन तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से, ठीक है। तो बिल्डिंग में लोड लगा चुके, एनालाइज कर चुके, अब करना है डिज़ाइन। तो हमें जाना है डिज़ाइन पर, यहाँ पे कंक्रीट डिज़ाइन, यहाँ पे IS कोड 456, उसके बाद ये पैरामीटर्स हैं, क्लियर कवर कितना देना है, कंक्रीट की ग्रेड कितना होगा, ये सब क्लियर कवर दे के ऐड करने हैं। और फिर कमांड में जाना है, और जैसे कि बीम डिज़ाइन कर रहे हैं हमने ऐड किया, कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं ऐड किया, और टेक ऑफ भी कर लो ऐड, मतलब बता दूंगा मैं टेक ऑफ का। तो देखो डिज़ाइन ऑफ स्लैब हम नहीं कर रहे हैं, अभी क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए येलो कलर का क्वेश्चन मार्क है डिज़ाइन बीम पे, क्योंकि ये अप्लाई करना है बीम के ऊपर। तो मैंने सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स
सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड और यहाँ असाइन कर दिया। डिज़ाइन कॉलम पे क्लिक किया, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई और सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना, हमें एनालाइज कर देना है। डन। अब किसी भी बीम पे डबल क्लिक करेंगे और जाएंगे कंक्रीट डिज़ाइन टैब आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने टॉप पे 12 डाय के 3 बार यूज़ किए और बॉटम पे 10 डाय के 3 बार। इसी तरह कॉलम पे कंक्रीट टैब, तो यहाँ पे देखिए आपने इन्होंने यूज़ किया हुआ है 12 डाया के 8 बार। अगर ये टैब नहीं आ रहा समझ लो चीज़ फेल हो गई। तो अब हम हर किस चीज़ पे डबल क्लिक तो करके देख नहीं सकते, तो ये यहाँ पे एडिटर के बगल में है आउटपुट, इस पर क्लिक किया हमने, थोड़ी देर रुके, उसके बाद क्योंकि पेज लोड हो रहे थे यहाँ पे सर्च किया फेल एंटर, तो कोई भी स्ट्रिंग सर्च नहीं कर रहा, यानी कि सारे हमारे पास हैं। तो ये था आपका स्टैट प्रो बेसिक 2 RCC डिज़ाइन, नॉट एडवांस बिकॉज टाइम हो चुका है काफ़ी और मेरे को और भी कुछ काम है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ आगे। लेकिन इस वीडियो का एक फ़ायदा है, इस वीडियो को देख के आप तुरंत फिर एडवांस की जो मेरे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं मेरे इस चैनल पे, हर तरह के का एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, उसको देख के आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका इससे एक बेसिक स्टार्टअप हो गया। अब आप प्रोजेक्ट करना, छोटी छोटी चीज़ें बना के देखना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक ओवरव्यू हो गया आपका इसका, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। 1 मिनट लगती है फेसबुक पे शेयर करने पे, क्योंकि व्यू बहुत कम आते हैं जिससे डीमोटिवेट हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।